आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस खबर को शुरू करने से पहले हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अब सावधान हो जाइए कि कहीं KBC के नाम पर आपके भी खाते से सारे पैसे ना उड़ा लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि इस वक्त अब KBC के नाम पे काफी ज्यादा ठगी की जा रही है, और ऐसे में आज के वक्त लोग आपका विश्वास पाने के लिए क्या कुछ कर गुजर सकते हैं, आपको इस खबर के जरिए पता चलेगा। आपको बता दें कि आए दिन ऐसे कई सारे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें लोगों के साथ ठगी की जाती है, और ऐसा ही एक मामला TNB के सामने भी आया जहां पर एक व्यक्ति ने खुद TNB को अपनी आपबीती बताई, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये व्यक्ति जो है ये झांसी का रहने वाला है और इसका नाम मनोज है। इसके साथ भी ठगी करने की कोशिश की गई, लेकिन इस व्यक्ति ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप को और अपने बैंक अकाउंट को दोनों को सुरक्षित रख लिया। तो ऐसे में आपको बता दे कि इस व्यक्ति को पहले एक नंबर पे मैसेज आता है, इस नंबर पे इनके मैसेज आता है कि इन्हें करोड़पति जो है कौन बनेगा करोड़पति के यहाँ से 25 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बाद इनको पहले तो भरोसा नहीं होता है क्योंकि ये कौन बने करोड़पति में गए ही नहीं है, तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद उस मैसेज में एक नंबर भी दिया रहता है, जो नंबर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो नंबर इस पर दिया रहता है, और उस नंबर पे फिर इस व्यक्ति को फोन लगाया जाता है, और फोन लगाने के बाद सामने से एक व्यक्ति फोन उठाता है और ये यानी मनोज जी उनसे सवाल करते हैं कि आखिर मुझे ऐसा मैसेज मिला है और इस मैसेज का क्या मतलब है। तब सामने वाला व्यक्ति इन्हें ये बताता है कि ये जो आपको मिला है ये आपके अकाउंट में इस तरीके से पैसे आए हैं और आपकी पैसे की गिनती हो रही है, और वो मनोज जी का भरोसा पाने के लिए एक वीडियो भी उनके पास भेज देते हैं। और इस तरीके की कई सारी जो है वीडियो सामने भी आती रहती है जहां पर लोग फ्रॉड करने के चक्कर में, ठगी करने के चक्कर में बहुत ही स्मार्टली लोगों को कन्विंस करते हैं, और ऐसा ही इस मामले में भी देखने को मिला। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मनोज जी को कन्विंस करने के लिए इस फ्रॉड व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा है। जरा आप भी नजर डालिए इस वीडियो पर। कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा दिखाने का अलाउ नहीं होता है, लेकिन ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आप अपना लॉटरी का पैसा जो है जाया ना कर बैठे। ये आपका अमाउंट है 25 लाख का, ये आपका नहीं और भी लोगों का अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे ये पैसा गिनती हो रहा है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ कि अपना पैसा आप देख लीजिए जो आपका गिनती हो रहा है, जो आपके खाता में लगाया जाएगा, और 5 मिनट के अंदर भगवान कसम आपके खाते में रखें यहाँ से ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाएगी। ये देख लीजिए, पूरा प्रूफ के तौर पे ये पैसा दिखाया जा रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे गिनती हो रहा है, देख लीजिए, चेक करें, ये देखें गिनती हो रहा है, और ये जैसे गिनती हो जाएगा यहाँ से गाड़ी आएगा, गाड़ी पैसा आपका लेके चला जाएगा, और हम आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट कर देंगे। ये देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, जहाँ पे ये पैसा मतलब कि आता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो नोट बना रहा है वो, और ये स्टेट बैंक, ये दोनों मिलकर KBC के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और जितना भी पैसा आता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से पैसा जिन जिन को दिया जाता है फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका ही पैसा है, देखें। देख सकते हैं कि किस तरीके से अब वीडियो में वॉइस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपके पैसे गिने जा रहे हैं, इस तरीके से अब आपके पैसे जो है हम गिन रहे हैं और आपके अकाउंट में अब डाल देंगे। इसके बाद ये व्यक्ति जो है ये मनोज जी से उनका जो है नंबर, उनका फोटो और इसके साथ ही उनका अकाउंट नंबर मांगता है, जिसके बाद मनोज जी अपना सब कुछ जो है अकाउंट डिटेल्स और इसके साथ ही अकाउंट नंबर और अपना फोटो इन्हें भेज देते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से एक कार्ड बनाता है और उसकी फोटो मनोज जी को भेज देता है और कहता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे चले आए हैं, आप जाइए और चेक कर लीजिए। इसके बाद मनोज जी बैंक पर जाते हैं और बैंक में जाकर वो अपना जो पासबुक है उसे अपडेट करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी नया ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है। उसके बाद बैंक के जो एम्प्लॉय है वो उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके अकाउंट में पैसे आने चाहिए लेकिन इसमें दिख नहीं रहे। इसके बाद जो अकाउंट जो देख रहा होता है बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका अकाउंट ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मनोज जी को विश्वास नहीं होता है। उसके बाद बैंक के जो मैनेजर है वो मैनेजर इन्हें आश्वासन देते हैं कि आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक है और इसमें अभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मनोज जी फिर उसी नंबर पर उन्हें फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। इसके बाद सामने से व्यक्ति कहता है कि शायद कुछ दिक्कत हो रही है, एक काम करिए मैं आपको अपना नंबर देता हूँ और ये
मेरे अकाउंट डिटेल्स है, इस पर आप मुझे 7,500 रुपए भेज दीजिए। जिसके बाद मनोज जी बड़े ही चालाकी से दिमाग लगाते हुए, समझदारी दिखाते हुए, वो उस अकाउंट पर कोई भी पैसे नहीं भेजते हैं। लेकिन उन्हें ये बात जरूर समझ आ जाती है कि उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज के वक्त में जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो ठगी कर रहे हैं, कितना ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं और आपका भरोसा जीतने के लिए किस हद तक जाने के लिए वो तैयार है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप केबीसी देखते होंगे तो उसमें आप सुन सकते हैं कि खुद अमिताभ बच्चन जी और साथ ही केबीसी के जो चैनल है वहां पर डिस्क्लेमर में चलाते हैं कि केबीसी में सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के हिसाब से ही आपको एंट्री मिल सकती है। केबीसी के नाम पर हो रही ठगी से आपको सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही केबीसी के नाम पर अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो उसे आपको पैसे नहीं देने हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से अब केबीसी के नाम पर भी लोग ठगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, सतर्क हो जाने की जरूरत है और इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके साथ भी इस तरीके की ठगी हो सकती है, आपके पास भी इस तरीके के फ्रॉड कॉल आ सकते हैं। तो इनसे निपटने के लिए अभी और आज से ही आपको तैयार बैठना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके के कई मामले इस वक्त जो है रोशनी में आ रहे हैं और देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसीलिए अभी इसी वक्त से ऐसे मामलों के लिए, ऐसे ठगी के लिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और ऐसे फ्रॉड के साथ डील करने के लिए भी तैयार हो जाइए। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।